हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं इंडियन स्टाइल में ईद स्पेशल चिकन मंदी। चिकन मंदी हमें इंडियन स्टाइल में नहीं, अरबिक स्टाइल में। अरबिक स्टाइल में हमने डाल चुके हैं, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ इंडियन स्टाइल में ईद स्पेशल मंदी। यानी कि पूरे के पूरे इंडियन मसाले होंगे वो मंदी में, है ना? थोड़ा इंडियन तड़का होगा, रेसिपी कुछ अलग होगी और आप भी अपने ईद के मौके पे ये बना सकते, झटपट बना सकते हैं। लेकिन सही में मसाले अलग रहेंगे ना, मतलब ऐसा टेस्ट अलग आएगा ना। वो फीकी फीकी मंदी जैसा तो नहीं लगेगा ना, बुरा नहीं मानेगा। ये मंदी का ना टेस्ट हम लोगों को थोड़ा फीका फीका सा लगता है। हाँ, तो लगता है ना, क्यों नहीं लगता है, सबको लगता है। अपने इंडियन में जितने देखते सबको लगता है, क्योंकि अरबी देश में जो अरब लोग हैं उन लोग नहीं खाते। हाँ, सच में लोगों को स्पाइसी जायका नहीं अच्छा लगता, उनको स्पाइसी जायका में सिर्फ गर्म मसाले ही अच्छे लगते हैं। उन लोगों के मुंह पे वो लगे, उनका वो टेस्ट है, हमारा ये टेस्ट है। तो आज हमें इंडियन तड़का यानी कि इंडियन मसाले, थोड़ा मसाले, इंडियन मसालों से बनाएंगे इंडियन चिकन मंदी। तो चलो अभी नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या आज हमें चिकन मंदी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, प्याज, दही, अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटे, किशमिश, कोतमीर, पुदीना, टमाटे पीसे हुए, कसूरी मेथी, जाफरान, हरी मिर्ची, नींबू, बादाम, काजू, खड़े गरम मसाले मिलेंगे हम चक्रफूल, जावित्री, दालचीनी, काली मिरी, बड़ी इलायची, शाहजीरा, लौंग, छोटी इलायची और तेजपत्ता। यहाँ लेंगे हम हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, जीरे की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की। और यहाँ हमारे चावल। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ चिकन पौना किलो से थोड़ा सा ज्यादा ही है, और चावल लिए हमने आधा किलो। मंदी में कभी भी चावल से ज्यादा चिकन होता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे रान का पीस ले लिए है, आप चाहे तो सीने का भी ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कट लगा दूंगी ताकि इसके अंदर तक अच्छे से मसाले लग जाए। रान तो सिर्फ मटन में होता ना, क्यों? ये तो लेंगे ना हमारे स्टाइल में इसको भी रान बोलते हैं, समझे? मुर्गी की रान मुर्गी की रान, लेग पीस ने तो कौवे का खिला दूंगी तुझे खाया था ना कौवे का, याद है क्या? नहीं, कौन कौन वो कौवा बिरयानी। अच्छा रियाज को भी खिलाएंगे अपन एक दिन कौवा बिरयानी तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कट लगा लेती हूँ तीनों को। ये लगा लिए हमने कट। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, थोड़ा सा हम इसको नमक, अदरक लहसुन ये लगा के ना फ्लेवर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक नींबू, जो कि बहुत छोटा है, ये आप बड़ा ले सकते हैं, ठीक है? नींबू इसके अंदर अच्छे से लगा लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे केसर का पानी। यहाँ पे मैंने ना जो केसर था उसको भी दूध में अच्छे से मिला के रखी हूँ, ये भी डाल देंगे हम एक चम्मच इसमें, ताकि हमारे चिकन में भी अच्छे से ज़ाफ़रान की खुशबू आ जाए। अब डालेंगे हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब इसको अच्छे से पूरे चिकन में हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन, नींबू और यहाँ पे ज़ाफ़रान का थोड़ा सा पानी और नमक, ये हमने इसको अच्छे से मसल लिए है। अब मैं इसको रख दूंगी साइड में एक घंटे के लिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रात भर भी इस तरह से लगा के रख सकते हैं। नमक क्या है ना, हमारे चिकन को ना गलने में मदद करता है। जितना देर आप इसको नमक लगा के रखेंगे ना, उतना आपका चिकन सॉफ्ट रहेगा और गैस के ऊपर जल्दी बनेगा और अंदर तक बनेगा जूसी। इसके लिए नमक लगा के रखने से ये फायदा होता है। अब हम रख देंगे इसको ढक के एक साइड। तो हमने चढ़ा दिए है टोक, चावलों को भी धो के रख दिए है और चिकन को भी हमने मसाला लगा के रखे थे, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। अब हम यहाँ पे टोप चढ़ा दिए है। यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे घी। अब मंदी बन रही है तो घी डालना जरूरी है ना, तो हम यहाँ पे घी के साथ आधा तेल।
ये है इंडियन तड़का। सही पकड़े है। तो यहाँ पे मैं जरा गरम होने दूंगी तेल को अच्छे से। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब डालेंगे हम यहाँ पे गरम मसाले में 2 चक्रफूल, यहाँ पे डालेंगे 6 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 जावित्री का छोटा सा टुकड़ा, यहाँ डालेंगे हम दालचीनी के 2-4 टुकड़े, और यहाँ पे 8 से 10 काली मिरी, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 तेज़पत्ते, और 1/2 चम्मच शाहजीरा। शाहजीरा सबके लास्ट में डालने का, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी मुंह पे फूलने लगता है। अब डालेंगे हम इसमें प्याज, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली हूँ बारीक काट के। गरम मसाले की खुशबू अच्छे से आ जाएगी तो प्याज डाल देंगे, ठीक है। अब हम प्याज को थोड़ा पका लेंगे। प्याज को हमको एकदम लाल नहीं करना है, बरिश्ता बरिश्ता के तरह के जो बिरयानी में पड़ता है ना, वैसा नहीं करना है हमको, सिर्फ पकाना है, ठीक है, पिंकी पिंकी। अब जब तक यहाँ पे हमारे प्याज पक रहे हैं, जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाउल ले लिए हैं, इसमें डालेंगे हम ये दही। यहाँ पे मैंने दही ली हूँ पूरे 1/2 किलो, ठीक है, यानी के 250 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, यहाँ पे मैं डालूँगी 2 चम्मच मिर्ची की बुक्की, 2 चम्मच हम डालेंगे धनिए की बुक्की, 1 चम्मच भर के डालेंगे जीरे की बुक्की, 1 चम्मच डालेंगे हल्दी की बुक्की, और 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की कलर के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको अच्छे से फेंट लेंगे दही के साथ। तो यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से पक गई है, पानी भी इसका थोड़ा थोड़ा सूख गया है। अभी हमको इससे ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन, 1 हमने भर के डाले हैं चिकन के मैरिनेशन में, ठीक है, और 2 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें। इसको भी मैं 30-40 सेकंड पका लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन की खुशबू अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे अदरक लहसुन को अच्छे से मैं भून ली हूँ 30-40 सेकंड, और गैस को एकदम स्लो कर दी हूँ, अभी एकदम स्लो गैस पर अभी हम डालेंगे ये हमारे मसाले जो हमने दही में मिला के रखे हैं ना पूरे के पूरे, ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, फास्ट फास्ट मिलाएंगे, और गैस एकदम स्लो ही रखी हूँ मैंने, गैस फास्ट नहीं करना जब तक ये मसाले अच्छे से मिल नहीं जाते, नहीं तो यहाँ पे हमारी दही फट जाएगी अगर गैस फास्ट रखेंगे। दही फट जाएगी? हाँ, दही फट जाएगी और दाने 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 आ जाएंगे अभी पूरे इसमें सफेद, जैसा दूध में फटने के बाद दाने दाने आ जाते ना, वैसे दाने आ जाते। तो दूध फटने के बाद तो दही बनती है, अब दही फटने के बाद क्या बनेगी, लस्सी? हाँ, खटास अजीब सी स्मेल आ जाती है दही फटने से सालन में। तो यहाँ पे देखो हमारा दही नहीं फटा है, मसालों में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लो गैस से मीडियम करेंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले अच्छे से 3-4 मिनट भून ली हूँ, दही का पानी भी अभी सूख गया है और दही फटी भी नहीं और मसाले भी हमारे भुने गए अच्छे से। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब हम डालेंगे हमारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखे थे इसमें। हमें लेकिन वो मंदी जो है वो तो हाँ। गरम मसाले के पानी में बॉईल होती है ना। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं पीसे, यहाँ पे हमने खड़े गरम मसाले बनाए हैं, क्योंकि हमारे हम इंडियन मंदी बना रहे हैं तो हमको सब जायका चाहिए। तो मतलब पानी में अपन वैसा बॉईल नहीं करेंगे? करेंगे ना। यहाँ पे मैं जो ये अदरक लहसुन का पानी, जाफरान का पानी इसमें जो चिकन में था, ये भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। कितना किलो चिकन है ये? 800 ग्राम चिकन है, यानी कि 1/4 किलो से भी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा ना तू, ये मसाले में पानी डाल के जो बॉईल करे थे चिकन, है ना, वही पूछ रहा ना, ये भी बॉईल करेंगे अभी हम। अच्छा, अभी एक पकाएंगे ना, कच्चा थोड़ी रखेंगे हम चिकन। यहाँ पे हमने हमारे टोप के हिसाब से चिकन लिए है, आप अपने टोप के हिसाब से चिकन लेके आना, ठीक है। हमारे टोप में ये इतना चिकन फिट आ रहा है इसलिए मैंने इतना ही ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डाल देंगे टमाटे, यहाँ पे मैं कटे हुए टमाटे अलग ले रही हूँ और पीसे हुए टमाटे अलग ले रही हूँ। बड़ी चटपटी मंदी बनने वाली है, ठीक है। और जितने मसाले हमने इसमें ऐड करे हैं ना, वो दही इस मसालों को बैलेंस कर लेता है।
ठीक है, ज्यादा तीखा नहीं होने देता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कोतमीर और यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक क्योंकि हमने ना अभी चिकन में भी अच्छे से लगाए हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा ही नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम आराम से पकने देंगे, एक 10 मिनट इसको आराम से पका लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट मैंने पका ली हूँ चिकन डाल के। मस्त, देख रहे आप लोग, यहाँ पे मसाला तो पक रहा है लेकिन चिकन अभी कच्चा ही है। अब यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल ली हूँ, तो अब इस टाइम पे अगर पानी ऐड करेंगे ना तो चावल के हिसाब से ही ऐड कर देना एक ही साथ। तो यहाँ पर मैं 4 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। ऐसा तो बासमती चावल के लिए डबल पानी नहीं लगता है, डेढ़ पानी ही लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हम डबल पानी ही डालेंगे क्योंकि उसमें अभी चिकन भी पकना है, उसमें पानी थोड़ा सा सूख जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 गिलास पानी इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरे 4 गिलास पानी इसमें ऐड कर दी हूँ। अब क्या करेंगे हम, चावलों के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच नमक और डाल रही हूँ चावलों के हिसाब से, और चिकन के हिसाब से हमने पहले ही इसमें डाल चुके हैं। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी कोतमीर, थोड़ी कोतमीर मैं लास्ट में डालूंगी, थोड़े डालेंगे हम पुदीने, और यहाँ पर मैं डालूंगी 2 मिर्ची बड़ी वाली, ढेपली मिर्ची, हाँ ये ज़रूर डालना अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये पुलाव में अच्छा टेस्ट देती है मंदी में। अब हम क्या करेंगे, ये एक नींबू ले लिए है, ये नींबू का जो ऊपर का हिस्सा है ना ये थोड़ा सा इसमें खिरच लेंगे। ये क्या है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है मंदी का, खुशबू अच्छी आती है। ऐसा तो मंदी में देखो सूखा हुआ नींबू जाता है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताई थी, लेकिन ना इंडिया में बहुत कम मिलता है, मॉल वगैरह में जाना पड़ता है। अरे इंडिया में ही सबसे ज्यादा मिलता है, मैं अब भी जाऊंगा ना बाहर 3-4 मिल जाएंगे। वो वाले नहीं चाहिए, ये सूखे हुए मॉल में मिलते हैं पैकेट इस तरीके के, जो खुशबू आती है वहाँ पुलाव में बिरयानी में डाला करते हैं। तो अभी वो तो हम नहीं डाल रहे ना, तो हम ये ऊपर का जो हिस्सा है ना नींबू का ये डाल देंगे, इससे खुशबू अच्छा आता है। बस हमें ज्यादा खुशबू आ जाएगी। नहीं नहीं बराबर डाली हूँ मैंने। अब क्या करेंगे हम, ऊपर का हिस्सा तो डाल दिए है लेकिन इसको कट करके इसके अंदर का नींबू भी निचोड़ लेंगे अच्छे से। ऐसे नींबू डाल देते हैं? नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, ये नींबू का सत अलग डालेंगे और ये नींबू अक्खा डाल देंगे ना, तो इसमें खटास सी और कड़वाहट सी आ जाती है नींबू की। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमने जितना रस था उतना डाल दिए है। एक नींबू हमने पहले भी डाले थे है ना, चिकन को जब मसाला लगा रहे थे तभी, तो यहाँ पे हमने ये भी डाल दिए है। अब हम इसको आराम से ढक के पकने देंगे। कब तक पकने देंगे, जब तक हमारा चिकन नहीं गल जाता, उस पर ध्यान रखेंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। तो जब तक हमारा चिकन गल रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं है ना। अब ड्राई फ्रूट तो ऐसे है ना कि मंदी में जाते हैं, अगर आपको डालना है तो आपकी मर्जी, नहीं डालना है आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन डाल लेना अच्छा ही लगता है। और घी में फ्राई करके डालना। अब हम डाल देंगे इसमें हमारे बादाम और काजू। अरे सेंग दालो में इंडियन स्टाइल। हाँ हाँ, जिसको डालना है डाल सकते हैं सेंग दाने। और ड्राई फ्रूट तो ऐसे है ना कि देखो अपने पसंद के हिसाब से हम डाल सकते हैं जो हमको पसंद है। तो मैं यहाँ पे काजू बादाम वही रखी हूँ जो अरबिक स्टाइल में डालती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, और यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि किशमिश इसमें डालते साथ ही फूल जाएगी, क्योंकि हमारी घी जो है बहुत गर्म है, नहीं तो हम गैस चालू रखेंगे तो हमारी किशमिश जल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने किशमिश भी अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, और ये जो बर्तन है घी का, इसको हम इसी तरीके से ऐसे ही छोड़ देंगे घी के साथ, क्योंकि अभी हमारा इसमें चिकन भी फ्राई होने वाला है। जो चिकन गल जाएगा उसको अभी बताती हूँ मैं क्या करने का। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गए पकते पकते, तो यहाँ पर मेरा चिकन अच्छे से गल गया है। अब क्या करेंगे हम, इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में इस तरीके से। मैं सारे चिकन निकाल लूँगी बाहर। तो यहाँ पर हमने सारे चिकन बाहर निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले चावल ऐड कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमारे चावल पकते रहें है ना। यहाँ पर हमने चावलों को धो के अच्छे से भिगा लिए थे। कितने चावल है ये, मैंने 2 गिलास भर के ली हूँ।
कौन से चावल? वही बिरयानी वाले जो हम बिरयानी में डालते हैं, बासमती चावल। कितने वाले? 120 रुपया। 100 रुपीज नहीं है भैया। तो यहाँ पर हम इसको पकने देंगे, इसको अच्छे से हिला लेंगे, इसको यहाँ पर पकने देंगे। और यहाँ पर हम अभी हमारा गैस चालू कर देंगे, जो हमने यहाँ पे घी रखे थे ना, इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। और यहाँ पर हमारे चिकन पे आते हैं, यहाँ पे चिकन पे हम ये जो हमारा केसर भिगा के रखे थे ना, ये और थोड़ा सा लगा लेंगे, माशाल्लाह। और अगर आपका केसर कलर नहीं छोड़ता है तो थोड़ा सा पीला फूड कलर ऐड कर देना। जो अगर केसर नहीं ला के डालना चाहते हैं सिर्फ, तो कलर से काम चला लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने ज़ाफ़रान लगा दी हूँ, केसर, केसर ज़ाफ़रान एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से लगा दिए हैं। और ये जो बचा हुआ हमारा केसर है ना दूध, ये हम डालेंगे चावल, मस्त खुशबू आ जाएंगी अभी इधर। तो हम मिला लेते हैं अच्छे से और यहाँ पर इसको पकने देते हैं। और यहाँ पे हमारा घी हो गया है गरम, अब हम इधर ऐड करेंगे हमारा चिकन। हटके ऊपर नीचे करके हम अभी दोनों तरफ से इसको घी में सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ चिकन को, सारे चिकन हमने फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम गैस करेंगे बंद इसका और अब देखते हैं चावलों को। ओहो माशाल्लाह, बनेगा नहीं सही, मस्त एक नंबर। अब ये मोमेंट पे अगर आपको गरम मसाले की बुक्की वगैरह इसमें ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने खड़े गरम मसाले अच्छे खासे डाली हूँ। अब ये मोमेंट पे मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़े से पुदीने और थोड़ी सी कोथमीर। और यहाँ पे मैं गैस स्लो कर दूँगी अभी और चावलों को आराम से पकने दूँगी क्योंकि चावलों में अभी पानी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका टोप पतला है नीचे से तो ये टेम्पे आके नीचे आप एक तवा रख देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते पकते, इसका पानी सूखा है नहीं, माशाल्लाह इसका पूरा पानी सूख गया है और चावल अभी हमारे पूरे पके नहीं है, अभी हम इसको दम पे रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले है, यहाँ पे डालेंगे ये रोज़ वाटर। आपको यहाँ पर केवड़ा वाटर भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, खुशबू के लिए जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एसेंस नहीं यूज़ कर रही हूँ, केवड़ा वाटर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऐड कर दी हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी रख देंगे हमारा ये चिकन कुछ इस तरीके से रख देंगे, थोड़ा डालेंगे कोथमीर, थोड़ा डालेंगे पुदीना। अब हम इसको दम पे रखेंगे तवे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दी हूँ, अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये टोप को। अब पूरा 6-7 मिनट हम इसको आराम से मीडियम पे पकने देंगे ताकि हमारा जो चिकन भी है वो भी अच्छा फ्लेवर खींच ले जो बचा कुचा, और चावल भी हमारे अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर पूरा 10 मिनट रखी हूँ मैंने दम पे, माशाल्लाह खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमारी मंदी हो गई तैयार, माशाल्लाह चावल भी तैयार हो गए हैं, चिकन भी तैयार हो गया है हमारा। अब क्या करेंगे, हम इसको स्मोकी फ्लेवर दे देंगे, टच दे देंगे ना, एकदम इंडियन स्टाइल वाली। हाँ इंडियन स्टाइल वाली, हाँ अच्छा जल गया कोयला माशाल्लाह। अब हम डालेंगे इसमें ये घी, अब इसको आराम से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। गैस यहाँ पर मैं बंद कर रही हूँ, मेरी मंदी हो गई है रेडी, खाली बस 5 मिनट के लिए इसको अभी स्मोक के लिए ढक के रख दूंगी, उसके बाद सर्व करेंगे। तो चलो 10 मिनट मैंने इसको दम पे ऐसी ही छोड़ दी थी स्मोक करने के लिए, अब हम इसको खोल लेते हैं। ओह माशाल्लाह
देखो खोना है तुमको। तो इसको हम हटा लेते हैं साइड में और यहाँ से हम हमारा चिकन भी निकाल लेते हैं साइड में। पका देगा ना, मैं गला देगा ना। अरे एकदम पका हुआ है, टेंशन बिल्कुल मत ले तू। तो यहाँ पर हमने चिकन निकाल लिए है, यहाँ पे चावल देख रहे हैं आप लोग, हमारे चिकन के वजन से चावल दब गए। कहीं ना कहीं चिकन पुलाव ही हो गया ना। हाँ नहीं रे, पुलाव का टेस्ट बहुत अलग है इससे और इसका टेस्ट बहुत अलग है पुलाव से। आप लोग इस तरीके से इसको बना के देखना। यहाँ पे अभी हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू मस्त आ रही है, एकदम मसालेदार मंदी हो गई। हाँ उसमें मसाला ही नहीं था, मसाले ढूंढने पड़ रहे थे और ये एकदम मसालेदार हो गई है ना। तो यहाँ पर मैंने चावल अच्छे से निकाल ली हूँ मंदी के, अब हम लगाएंगे यहाँ पे हमारे चिकन है ना, इस तरीके से। ये सर्व करने का ये तरीका रहता है मंदी का। अब हम डालेंगे हमारे इसमें ड्राई फ्रूट्स, जितने आपको लगते हैं अच्छे, जितने ज़्यादा कम आपकी मर्जी है ना। इसमें किशमिश बड़ी अच्छी लगती है मंदी में मुझे, सबसे बादाम पिस्ते से भी ज़्यादा ना मुझे किशमिश अच्छी लगती है इसमें। तो यहाँ पर हमारी इंडियन चिकन मंदी रेडी हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो गई अपनी चिकन मंदी इंडियन स्टाइल में, बोले तो इंडियन मंदी बोल सकते हैं। ईद के मौके पे आप लोग ये भी बना सकते हो, बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी है। जो कोई भी आएगा ना बोलकर ये क्या पुलाव दे दिया, लेकिन जब ये उठा के मुंह में डालेगा ना तब एक अलग सा जायका और एक अलग सा फ्लेवर मिलेगा और वो कर देगा ईद को आपके मजेदार। चार चांद लग जाएंगे। अगर आप इसमें केवड़ा एसेंस या कुछ और मीठा इतर वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खाने वाला इतर ना, खाने वाला। मैं रोज वाटर ही डाली हूँ, मुझे ज्यादा फ्लेवर इसमें बच्चे लोगों को पसंद नहीं आते। हाँ मेरे बच्चों को स्मोकी फ्लेवर पसंद आते हैं तो मैंने स्मोकी फ्लेवर इसमें दे दी हूँ। हाँ। और रोज वाटर डाल दी हूँ खुशबू के लिए हल्का। अगर आपको ज्यादा खुशबूदार चाहिए तो आप इसमें जायफल और जावित्री भी पीस के ऊपर से ऐड करो, या फिर इसमें आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, ठीक है। और चिकन देखो यार, मंदी का चिकन होता है सबसे मजेदार माशाल्लाह। और इतना गल गया है ना चिकन के, चिकन के पीसेस अलग अलग हो रहे थे, बादाम पिस्ता सब गिरा दिया है चिकन में लग गया ना। माशाल्लाह इतना गल गया है। और सर जो मैं नजदीक से शायद आप लोगों को नहीं दिखा होगा, मुझे दिख रहा है चावलों में ना ऐसे मसाले लगे हुए पूरे दिख के आ रहे हैं, जो कि मंदी में ना ऐसे जल्दी दिख के नहीं आते हैं, रुखे चावल रहते। हाँ तो माशाल्लाह बहुत अलग और यूनिक रेसिपी है। बहुत से लोग तो सोच रहे हैं ये क्या बना दिए, इंडियन मंदी ये क्या बात है, पुलाव है ये, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका टेस्ट भी अलग ही होगा। मेरे घर में बच्चे जब मंदी खा के आते हैं ना तो बोलते हैं मंदी तो हम लोग खा के आए, लेकिन सच में मजा नहीं आती, सच में मजा। और जब तक चटनी डाल के सालन चावल के जैसा नहीं खाएंगे तो मजा ही नहीं आता है। अभी इसके लिए भी मैंने चटनी पीसी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें चटनी की जरूरत है, क्योंकि इतने माशाल्लाह इसमें फ्लेवर, इसमें हर मसाला मैंने ऐड करी हूँ, दही की वजह से ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चावल बने हैं, एकदम नरम। और माशाल्लाह इसमें टमाटर, गरम मसाला, हर चीज है। अभी हमारी अरबियन मंदी में आप पूरे गरम मसाले फ्लेवर अलग से पीस ले और बना लो तो गरम मसाले में ही आपकी मंदी खत्म हो जाती, तैयार हो जाती। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर मसाले आपको फ्लेवर देंगे अलग से। मैंने गरम मसाले का पाउडर इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करी, अगर आपको ज्यादा और लगे तो डालना, मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे मसाले ही स्पाइसी इसमें अच्छे खासे पड़ चुके हैं टेस्ट के हिसाब से। हाँ। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर बना के देखना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। हाँ तो भाई जरूर आप लोग भी ट्राई करना, जैसे कि मैंने बोले कमेंट्स करके भी बताना। और क्या मैं थक गया आज, अरे रोजा मुझे भी लग गया, मुझ सुख रहा है रोजे में बनाओ बनाओ। और ये कहीं ना कहीं बड़ी डिश है तो बड़ी डिश में जा अम्मी की आदत हो जाती है खराब, रोजों में करते 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 ना। शॉपिंग किस चीज की हुई है बताओ जरा, क्योंकि 25 रोजे हो गए हैं तो अभी काफी लोगों की शॉपिंग हो जानी चाहिए। और हाँ मुझे एक काम की बात याद आ गई, जैसा मैंने इंस्टेंट शीरकुरमा बना के, शीरकुरमा का प्रीमिक्स डाले थे हमने। हाँ। जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा होगा देख लेना, बहुत ही काम और फायदे की चीज है आप लोगों के लिए जो भी बिजी रहता है उसमें। बहुत से लोगों ने अपना सजेशन भी दिया कि हाँ यार अच्छा किया आपने ये रेसिपी बना दिया, हम ये चीजों में बिजी रहते। हाँ। तो आप लोग भी जिसने वो प्रीमिक्स देखे यूज कर सकते हो शीरकुरमे का ईद वाले दिन। और मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि अम्मी उसको क्या लगा? फ्रिज नहीं रहेगी तो हम। हाँ। नहीं बना सकते क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं यानी कि फ्रिज में रखना है या बाहर रखना? हाँ,
मैंने भी बनाई हूँ जो प्रीमिक्स आप लोगों को दिखाने के लिए, वो भी मेरा घर में ही पड़ा है, कोई फ्रिज में नहीं रखी मैंने, खुला पड़ा है। वो आप बाहर ही रख सकते हैं, बस एयर टाइट डब्बा, कांच की बोतल, ऐसा पैक टाइट में हवा नहीं जाएगा, हाँ ऐसा रखना, उससे आपका जरा भी प्रीमिक्स खराब नहीं होगा, आपको कोई फ्रिज व्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सिल्वर पेपर में क्या वो सिल्वर चिकन, सिल्वर फॉइल चिकन ऐसा कुछ, हाँ वो बनाओ, शायद लगता मेरी पिछली वीडियो चॉकलेट चिकन हमने बना के डाले हैं सिल्वर पेपर में, बस फ्राई करके, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। अभी मैंने दो चार वीडियो पहले ही वो डाली हूँ, ठीक है, तो मैंने बता दिया आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे दो तीन, वो मैंने उसका जवाब दे दी हूँ। अब इसका रिव्यू आपको रोजा खुलने के बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे, रोजा खुलने के बाद हमारे जज साहब आपको रिव्यू दे, जज साहब हवा टाइट हो गई है, जज साहब गिर रहे हैं अभी, तो इसके आगे वीडियो नहीं चल सकता। कितना रोजा लग गया, एनर्जी जमा करके जोर से आवाज निकालेगा, बोल रही हूँ बोल रही हूँ बना रही हूँ, मेरा क्या बचपन में अच्छा था ना, मैं अरे मैं रोजा रखने, नहीं तू बड़े रोजे रखना, सीधा लास्ट की 27वां रोजा हो गया हमारे, रोजे रख के किसने पानी पिया है मेरे को, अभी तो वेट करना पड़ता है 27वां रोजा कब आएगा भाई, 27वां रोजा कब आएगा, बचपन में ना रोजा रखते थे जाके ना मैं कुल्ली करके आता हूँ, आधी कुल्ली अंदर, बहुत सारे बच्चे ये करते है, अभी तो देखो बड़े हो जाते थे, समझदार हो जाते थे, उसकी मालूम पड़ती है अहमियत कीमत रोजों की क्या होती है, बच्चों का बचपना ही होता है, बच्चों का कुछ मालूम नहीं रहता है, अल्लाह माफ करता है उनको, मुझे भी माफ करना है, इसने किया है रोजे मेरा, बोले मेरे को ना बहुत मूड होने का है, आते बोल के आधा तो काम कर, ऐसा किस किस ने किया मुझे कमेंट जरूर करना, अब मैं चलती हूँ, मेरे को भी रोजा लग रहा है, मेरी भी अभी नहीं लगता है, 10 मिनट के बाद लग गया है, नहीं मेरी भी हालत डाउन हो रही है अभी, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, इंडियन मंदी कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट्स करना, हाँ, देख कर आगे नहीं जाना, हाँ भाई ये कुछ अलग और यूनिक रेसिपी है, इसके लिए कम से कम एक लाइक तो कर दो, हाँ, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं एटलीस्ट थोड़ा तो शेयर करो इसको, क्योंकि मुझे देखो पता है बात है जो मैं सच बोलूंगा, कितनी भी अच्छी डिश हो लेकिन ईद में ना इंसान ज्यादा बिरयानी ही बनाता है, हाँ, इसीलिए हमने बिरयानी की भी रेसिपी डाली है, जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा लास्ट दो से तीन वीडियो पहले ही हमने एक चिकन बिरयानी की मस्त वाली रेसिपी डाली है, तो वो भी जाके जरूर देख लेना, वो भी झटपट वाली है वो, हाँ फटाफट फटाफट, तो और भाई सब्सक्राइब कब करोगे यहाँ पूछ के बताते सब्सक्राइब करो चलो, हाँ ठीक है, चलते हैं, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।